400 सीसी का गाड़ी चला रहा हूँ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। मैं एक चीज बेटर हो सकता था, टॉप रन टेस्ट करते हैं। इसमें डिमेरिट ये वेट का पता नहीं चला। 6 गियर में भी आप देखते तो 45, 48, 50 और साउंड एक्सपीरियंस कीजिएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और आप देख सकते हो आज मौसम कितना सुंदर हो रखा है। और ये रहा अपना घर, और ये रही अपनी सारी बाइक्स। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे रिसेंट व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैंने एक ब्रांड न्यू हार्ली डेविडसन X440X परचेज किया है। तो मैंने उसका अभी तक फर्स्ट राइड रिव्यू का व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि बाइक का फर्स्ट सर्विस हो जाए, उसके बाद फिर अच्छे से उसका व्लॉग बना करके आप लोगों को भी दिखाऊं थोड़ा चला करके अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छा से पता चल सके कि क्या है क्या नहीं। तो इसलिए अभी फर्स्ट सर्विस हो गया है, तो अभी हम लोग व्लॉग बनाने जा रहे हैं बाइक का। तो आप देख सकते हो बाइक का लुक कुछ इस तरह से है, साफ़ सुथरा किया था बट फिर से गंदा हो गया। तो इस बाइक का 3 मॉडल आता है, जो सबसे लो होता है वो डेनिम है, दूसरा मॉडल है वो विविड है, और तीसरा मॉडल जो है वो एस है, जो कि ये रहा। तो बेसिकली आपको डेनिम में स्पोक रिम मिलता है और सिर्फ येलो कलर का ऑप्शन उसमें आता है, और विविड में आपको मरून कलर और सिल्वर कलर का ऑप्शन आता है ग्लॉसी में, और उसमें अलॉय व्हील मिलता है बट उसमें GPS और मोबाइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं रहता। और ये है आपका एस मॉडल, जिसमें सिर्फ यही सिंगल कलर आता है, मैट ब्लैक विथ ऑरेंज एसेंस, और इसमें आपको मिल जाता है डायमंड कट अलॉय व्हील्स, प्लस आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ GPS का सिस्टम मिल जाता है। और आपका इसका डेनिम का जो एक शोरूम प्राइस है वो 240,000 के करीब का होता पड़ता है, और जो आपका विविड मॉडल है जो कि मीडियम वाला है उसका आपका 260,000 का एक शोरूम प्राइस पड़ता है प्लस। और ये जो अपना एस मॉडल है इसका 280,000 के करीब करीब एक्स शोरूम प्राइस, ये सारा मैंने एक्स शोरूम प्राइस बताया है। सिटी टू सिटी इसका ऑन रोड प्राइस डिफर करता है। तो इसका एक शॉर्ट स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर प्लस LED, हेडलाइट का सेटअप, अपसाइड डाउन फोक का सेटअप मिल जाता है फ्रंट में, फिर आपको इसमें मिल जाता है 100x90 18 इंच के अलॉय व्हील्स जो कि ट्यूबलेस टायर है। उसके बाद इसके इंजन पे आते हैं, तो इसमें आपको मिल जाता है 440 सीसी का इंजन, जिसमें 27 BHP का पावर और 37 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये इंजन आपको एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड मिल जाता है। और उसके बाद अगर बात किया जाए इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और उसके बाद आपको इसमें देखने को मिल जाएगा 3 इंच का एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसका आपको कंट्रोल्स यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको इसमें बटन्स और हॉर्न डिसेंट सा मिल जाता है क्वालिटी का। और अगर रियर की बात किया जाए तो रियर में आपको 140x70 17 इंच का टायर मिल जाता है। और आप टायर का ग्रिप देख सकते हो, जो कि मैंने तो पहली बार इस टाइप देखा है किसी क्रूज़र बाइक में। और आपको पूरा LED का सेटअप मिलता है, जिसमें ब्रेक लाइट भी आपको LED मिल जाता है, इंडिकेटर्स भी LED मिल जाता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए और देर ना करते हुए चलिए यहाँ से चलते हैं, और फिर आप लोगों से रोड में बातें करते हैं गाड़ी चलाते हुए। चलिए, यहाँ उबड़ खाबड़ रास्तों में भी कितना स्मूथली ये बाइक चल रहा है, ये देखिए गड्ढों में भी पत्थरों में भी बहुत ही स्मूथली ये चल रहा है। मतलब राइड क्वालिटी इसका बहुत ही बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इसके सेगमेंट्स की और भी बाइकों के मुकाबले। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है गाइस कि 400 सीसी का गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है एकदम। 190 kg इसका वेट है, फिर भी एकदम वेट का पता नहीं चल रहा है बाइक चलाते टाइम।
ज़रा भी वेट का पता नहीं चल रहा, हैंडलिंग भी बहुत ही सुपर है, देख रहे हो स्पोर्ट्स बाइक की तरह जिधर काटो उधर कट जा रही है। मतलब बेसिकली अगर बोला जाए ना तो ये क्रूज़र बाइक के सेगमेंट में ज़रूर है, लेकिन फील और राइड क्वालिटी और कंफर्ट सब कुछ इसमें कंबाइन है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो इसका जो थंप और पावर है ना वो हल्का स्पोर्ट्स बाइक की तरह स्पोर्टी सा फील होता है, और इसका जो राइड क्वालिटी है वो एकदम कंफर्टेबल फील होता है, और क्रूज़र वाला कैपेबिलिटीज़ तो इसमें है ही, टूरिंग आप कर ही सकते हो इसमें, देख रहे हो जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाएगी। आप देख सकते हो कि मैं 6 गियर में भी 50-55 के स्पीड में इजीली मैन्यूवर कर पा रहा हूँ, गाड़ी को स्ट्रगल नहीं कर रहा है गाड़ी। मतलब हाँ थोड़ा सा इंजन में आ रहा है कि हाँ डाउनशिफ्ट करो, बट 6 गियर में भी आप देख सकते हो 45-48-50 के स्पीड में भी मैं चल पा रहा हूँ ईजिली। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, इग्निशन ऑन करने पे इस तरह का इसका DRL लाइट अप हो जाता है, और इसमें हार्ली डेविडसन का जो डिटेलिंग है ना बहुत ही शानदार दिखता है। और आप एक बार बाइक का फ्रंट व्यू, फ्रंट प्रोफाइल जो कहते हैं वो आप चेक करो। इसके बाद फिर अभी हम लोग आपको साइड प्रोफाइल दिखाएंगे बाइक का, तो आप बाइक का साइड प्रोफाइल चेक कर सकते हो, क्या ही शानदार दिख रहा है। और एक बार मैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ बाइक स्टार्ट करके। तो ये देखो इस तरह से बाइक स्टार्ट हो गया, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। ना ज़्यादा लाउड है ना ही एकदम हल्का, एकदम बेसी सा है, ठीक है मीडियम में। और चलिए फिर अब इसको हम लोग एक बार भगा करके देखते हैं कि कैसा भागने में है ये बाइक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप एग्जॉस्ट साउंड भी सुन सकते हो बाइक का, क्या ही शानदार, और पिकअप के मामले में भी बाइक बहुत ही बेहतरीन है, तुरंत ही पिकअप पकड़ ले रहा है। मतलब पिकअप बहुत ही लाजवाब है, स्पोर्ट्स बाइक वाला स्टांस आ रहा है पिकअप के मामले में, देखिए एकदम मतलब क्रूज़र बाइक में कंफर्टेबल आपको मिल गया, कंफर्टेबिलिटी मिल गया, उसके बाद आपको स्पोर्ट्स बाइक जैसा इंजन मिल गया, स्पोर्टी इंजन, और क्या ही चाहिए। आप देखिए एकदम इजीली 100 क्रॉस हो गया स्पीड, ये देखिए। हंड्रेड 120 तक तो एकदम इजीली जा रहा है बाइक, एकदम जिसका कोई जवाब नहीं है, एकदम स्मूथ है इंजन, और एग्जॉस्ट आपने सुना ही होगा क्या ही बेहतरीन सा एग्जॉस्ट है। बाकी हैंडलिंग में भी, और ये देखिए कॉर्नर में भी आपको वेट फील नहीं होगा बाइक में, जब आप टर्निंग लीजिएगा ना तब भी आपको एकदम वेट फील नहीं होगा। हालांकि बाइक 190 केजी का है, बट आपको ज़रा सा भी वैसा फील नहीं आएगा कि आप 190 केजी की बाइक चला रहे हो, एकदम आपको लाइट सा फील होगा। साउंड भी बहुत ही बेहतरीन सा आता है, एकदम बम्पी और बेसी साउंड है बाइक का। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, और आपको एक वॉक अराउंड व्यू दिखलाते हैं। ये आपका फ्रंट का प्रोफाइल हो गया, इधर से आपका साइड प्रोफाइल हो गया, जो कि साइड से बहुत ही बेहतरीन एकदम प्रीमियम सेगमेंट वाला फील आपको आएगा देखने में, एकदम देखते ही लगेगा कि हाँ कोई कॉस्टली बाइक है, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ 2-3 लाख की बाइक है।
और पीछे से आप देख सकते हो ये व्यू भी बहुत अच्छा है। तो इसमें ये एक्चुअली बैकरेस्ट मैंने एसेसरीज़ में लगवाया है, ये गार्ड भी मैंने एसेसरीज़ में लगवाया है, और ये जो वाइज़र है ये भी मेरा एसेसरी लगा हुआ है। फिर एक नीचे इंजन गार्ड भी लगा हुआ है मेरा, स्किड प्लेट जो बोलते हैं, और इधर ऑयल कूल्ड रेडिएटर में भी मेरा उसमें गार्ड लगा हुआ है। और आप देख सकते हो इधर से भी कोई शिकायत वाली एक भी काम नहीं करी हार्ली डेविडसन ने। और बस इसमें एक चीज़ बेटर हो सकता था, जो कि इसका एग्जॉस्ट का जो लुक है, आई थिंक इस साउंड के चलते इस तरह का एग्जॉस्ट बनाया हार्ली वालों ने, बट थोड़ा सा लुक बेटर कर सकते थे। और एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैंक स्पॉट जैसा दिखता है, मतलब ये पहले बंद कर लेते गाड़ी, मतलब ये थोड़ा सा खाली खाली सा इस एंगल से दिखता है यहाँ पे बैक टायर पे, और एग्जॉस्ट चेंज करना ही था लुक थोड़ा सा। और एक चीज़ जिसमें डिमेरिट ये है कि ये जो वायर है ये हार्ली को यहाँ नीचे से देना चाहिए था, ये ऊपर के वजह से ना थोड़ा एक्सपोज दिखता है और थोड़ा लुक ख़राब करता है देखने में। बाकी सीट हाइट आपकी 850 mm की है, और ये देख सकते हो सीट की कुशनिंग बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है, और फुल LED सेटअप आपको मिलता है इसमें। तो चलिए बाइक का एक बार टॉप रन टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो रोड पूरा ही खाली है, ना ही पीछे कोई गाड़ी ना ही आगे कोई गाड़ी। तो चलिए फिर गाड़ी को भगाते हैं एक बार, अभी रॉ साउंड एक्सपीरियंस कीजिएगा। हैंडलिंग है कॉर्नर में, एक 125 तक का स्पीड तो एकदम इजीली बाइक टच कर जाती है। 125 तक के स्पीड के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल है बाइक को भागने में, बट नो डाउट 120 तक बहुत ही स्मूथली जाती है बाइक। अगर आप हाईवे में क्रूजिंग कर रहे हैं या फिर कहीं लॉन्ग राइड में जा रहे हो तो 100-120 एकदम ईजिली जाएगी बाइक आपकी, आप एकदम आराम से मैनूवर कर सकते हो 100-120 की स्पीड में। और इस बाइक में आपको कंपनी क्लेम है 30 का माइलेज का, बट मुझे लगता है कि आपको ये लमसम 25 से 28 के बीच में माइलेज आपको निकाल करके देगी। अब वो तो आपका टोटली डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे, बट ऑन एन एवरेज 25 से 28 के बीच में आपको इसमें माइलेज मिलेगा। और एंड आई होप कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे पा रहा हूँ बाइक का। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा बिजी था इसलिए रेगुलर नहीं हो पा रहा था यूट्यूब पे, बट नाउ अब मेरा काम जो था वो हो चुका है, तो इसलिए अब थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश रहेगी मेरे तरफ से। और इसलिए इतने दिन बाद, डिलीवरी के इतने दिन बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था आप लोगों को एक बार इस गाड़ी को भगा करके दिखलाऊं अच्छे से, जो कि फर्स्ट सर्विस से पहले मैं भगाना नहीं चाहता था गाड़ी को, क्योंकि अब देखिए वो मिथ है या फैक्ट है मुझे नहीं पता, बट फर्स्ट सर्विस तक मेरे हिसाब से बाइक को, मतलब अगर 12-13 हज़ार RPM वाला बाइक है तो 4-5 हज़ार RPM से ज़्यादा नहीं भगाना चाहिए। एक बार जब इसका इंजन ऑयल चेंज हो जाए उसके बाद फिर आप भगा सकते हो बाइक को। तो इसलिए वही मेरा थिंकिंग है शुरुआत से ही, मैं जब भी गाड़ी लेता हूँ तो फर्स्ट सर्विस तक हौले हौले प्यार से चलाता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं भगा करके देखता हूँ। तो इसका फर्स्ट सर्विस करा लिया था, और सॉरी रहेगा कि मैं फ़र्स्ट सर्विस का व्लॉग आप लोगों को नहीं दे पाया,
क्योंकि फर्स्ट सर्विस कराने मेरा भाई लेकर के गया था, मैं थोड़ा बिजी था तो इसलिए वो व्लॉग नहीं बना पाया मैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो एक बार थोड़ा कच्चा रास्तों में भी चला लिया जाएगा गाड़ी, तभी तो पता चलेगा ना कि थोड़ा ख़राब रास्तों में क्या एक्सपीरियंस और क्या रिव्यू रहता है गाड़ी का, कैसा चलता है। तो मुझे तो यहाँ जैसे इतना ख़राब रास्ता है थोड़ा, फिर भी मुझे फील नहीं हो रहा है वैसा, क्योंकि बाइक का जो पोजीशन है, जो पोस्चर है, जो राइड कंपैटिबिलिटी है, वो इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन है कि ज़रा सा भी मुझे फील नहीं होने दे रहा है कुछ। बस ये है कि फ्रंट का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ रखा जा सकता था हार्ले की ओर से, बाकी यहाँ पे रुकते हैं। वो देख सकते हो द वन एंड ओनली इन माई होम टाउन, मेरे होम टाउन की पहली हार्ली है, क्योंकि पहली बार किसी ने हार्ली का बाइक लिया है, इससे पहले ना ही हार्ली की बाइक यहाँ पे किसी के पास थी ना अभी तक किसी के पास है, तो वन एंड ओनली हमारी ही है। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।